गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्मानीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सबके बीच पधारे हैं। सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे। ओ शांति, आजकल एक माया आई हुई है। कौन सी माया? मोबाइल। मैं कभी कभी पूछती हूं, ये बताओ देवियों के जो अलंकार है, मॉडर्न देवियां हैं भाई, लेटेस्ट मॉडर्न फैशन टेक्नोलॉजी, किसी देवी के हाथ में मोबाइल है? किसी देवी के हाथ में भी? मैं जल्दी से जरा दुर्गा से बात तो कर लूं। है नहीं? मोबाइल ने ये जो बाबा कहते हैं ना सुनहरी माया, सुनहरी माया, ये सुनहरी माया है। बहन जी मोबाइल के बिना आजकल काम कैसे चलता है? अब मैं आपको एक स्ट्राइक हो रहा है, एक राज की बात सुनाती हूं। दादी दीदी दिल्ली में आते थे, उन दिनों में ना तो मोबाइल थे और ना ही वो डायल वाला सिस्टम था। मैं 70s की बात कर रही हूँ, एक्सचेंज से हमको लेना पड़ता था। तो जब डायल वाला हुआ तो बाय चांस मैं नंबर मिलाती थी, मेरे से मिल जाया करते थे। तो दादी दीदी आने पर मेरे को लिस्ट देते थे, आशा यहाँ यहाँ तुमने मेरी बात करानी है। आबू से नहीं हो पाती थी तो मैं मिला के देती थी। तो जब तक नहीं मिलता था तो मेरे को चैन नहीं आता था, मेरे को बात करानी है। दादी ने देखा मेरे हाथ में हर समय फोन है, वही फोन के पास बैठे। दादी ने मेरे को कहा, काम उन्होंने ही दिया है मेरे को, ये तुमने क्या फोन हर समय हाथ में रखा है? मैंने कहा दादी आपने कहा ना करने को। कहा छोड़ो इसको। क्यों? क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, अगर हम मोबाइल का सहारा हर घड़ी लेते हैं, आपकी ये जो प्रज्ञा है ये डेवलप नहीं होगी। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम सतयुग में मोबाइल है क्या लक्ष्मी नारायण जी के हाथ में? है लक्ष्मी जी आप कहां हो? है मोबाइल नहीं है ना? देवताओं के हाथ में मोबाइल नहीं है, वो बिना मोबाइल के काम करते हैं। हम अपनी मनसा शक्ति बिना मोबाइल के काम करते हैं। ये मोबाइल केवल साधन था, और भगवानों वाच है साधन साधना को भंग न करे। ये साधन तो साधना को भंग करता है क्योंकि हम इसके गुलाम हो गए। बुरा नहीं मानना, हम गुलाम हो गए। मोबाइल ना हो तो ऐसे लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रहा है।